हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग लेसन्स। हमारा इंजीनियरिंग लेसन है स्टैटिक एंड डायनेमिक बैलेंसिंग। उसे स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा बेसिक कर लेते हैं। तो बेसिक में क्या है कि पहले तो हम व्हाट इज मशीन, मशीन में क्या होता है कि हमें ये बैलेंसिंग रिक्वायर्ड है। तो क्या होता है कि मशीन में हमारे पास डिफरेंट मूविंग पार्ट्स होते हैं, जैसे कि कोई पार्ट्स रोटेटिंग होते हैं और कोई रेसिप्रोकेटिंग होते हैं जो टू एंड फ्रो मोशन करेंगे। उससे क्या होगा, जब वो मूव करेंगे तो एक वाइब्रेशन क्रिएट होगा, उसे हमने आज बैलेंस करना है। तो उसे स्टार्ट करने से पहले हम फोर्स देख लेते हैं कि कौन से फोर्स लगेंगे सिस्टम पे। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन द कंपोनेंट्स, तो कौन से फोर्सेस लगते हैं, तो देर आर टू टाइप्स ऑफ फोर्सेस। तो फर्स्ट वन इज स्टेटिक फोर्सेस। तो स्टेटिक फोर्सेस वो फोर्स होते हैं जो डिपेंड करते हैं वेट ऑफ द बॉडी पे, जो हमारा वेट है उस पे डिपेंड करेंगे। इसका मतलब ये है कि जो हमारा कंपोनेंट का खुद का वेट है वो एक फोर्स एग्जर्ट कर रहा है हमारे सिस्टम या मशीन के ऊपर, उस फोर्स को हम क्या कहेंगे, स्टैटिक फोर्सेस। अब बात करते हैं डायनामिक फोर्सेस। डायनामिक फोर्सेस वो होते हैं जो डिपेंड करते हैं एक्सीलरेशन पे, एक्सीलरेशन ऑफ द बॉडी पे। उसका मतलब क्या है, जो हमारा कंपोनेंट है जब वो मोशन में आएगा तो वो एक फोर्स एग्जर्ट करेगा हमारे सिस्टम या मशीन के ऊपर, उस फोर्स को हम क्या कहेंगे, डायनामिक और इनर्शिया फोर्सेस। उसकी वजह से क्या होगा कि हैमरिंग इफेक्ट आएगा या फिर हम कह सकते हैं वाइब्रेशन प्रोड्यूस हो जाएगा। उसकी वजह से क्या होगा कि हमारा जो ओवरऑल एफिशिएंसी है ऑफ द सिस्टम वो रिड्यूस हो जाएगा, और उसकी वजह से हम कह सकते हैं कि हमारा जो लाइफ स्पान है मशीन का वो भी रिड्यूस हो जाएगा। और कभी कभी होता ये है कि जो वाइब्रेशन प्रोड्यूस हो रहा है वो इतना ज़्यादा हो जाएगा कि आपके मशीन को वो लिफ्ट कर देगा। तो इसीलिए आप देख सकते हैं कि जो हमारा ये बड़ा सा मशीन है उसके नीचे फाउंडेशन प्रोवाइड किया गया है। उससे क्या होगा कि जब वो मशीन वाइब्रेट करेगा तो फाउंडेशन वो पूरा वाइब्रेशन को एब्जॉर्ब कर देगा और आपके मशीन को डैमेज होने से बचा लेगा। तो अब आपको पता चल गया होगा कि कौन से फोर्सेस है जो हमारे सिस्टम पे लग रहे हैं और उसे डिस्टर्ब कर रहे हैं और या तो फिर वो वाइब्रेशन प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो सिंपल है, अगर हमें सिस्टम को बैलेंस बनाना है तो हमें क्या करना होगा कि ये जो फोर्सेस लग रहे हैं उसे एलिमिनेट करना है। तो अब आप इजीली बैलेंसिंग को डिफाइन कर सकते हैं, दैट इट इज द प्रोसेस ऑफ एलिमिनेटिंग द इफेक्ट्स ऑफ स्टैटिक फोर्सेस एंड डायनेमिक फोर्सेस। जो हमने अभी स्टडी की है, जो वही लग रहे हैं तो वही हमें एलिमिनेट करना है। सो द डेफिनेशन विल बी द फोर्सेज एक्टिंग ऑन द मशीन कंपोनेंट्स शुड बी एलिमिनेट। अब देख लेते हैं क्या होता है अनबैलेंस सिस्टम। तो व्हेन सिस्टम इज सेड टू बी अनबैलेंस, तो इन एनी सिस्टम हैविंग वन और मोर रोटेटिंग मासेस, इफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम डज नॉट लाई ऑन द एक्सिस ऑफ रोटेशन, देन द सिस्टम इज कॉल्ड एज अनबैलेंस सिस्टम। तो इसका मतलब क्या है, जैसे कि आप फिगर में देख सकते हैं, हमारे पास एक रोटर है जो शाफ्ट के ऊपर माउंट किया गया है और जो शाफ्ट है उसकी खुद की एक एक्सिस ऑफ रोटेशन रहेगी। अब जो हमारा रोटर है उसका सीजी आप देख सकते हैं जो एक्सिस ऑफ रोटेशन से थोड़ा दूर है, जैसे कि आर डिस्टेंस दिखाया गया है। अब क्या होगा, जब हमारा रोटर रोटेट करेगा तो एक सेंट्रिफ्यूगल फोर्स एग्जर्ट करेगा जो कि आप साइड व्यू में देख सकते हैं, जो बाहर की साइड लगेगा। इससे क्या होगा कि हमारा सिस्टम अनबैलेंस्ड हो जाएगा और वो वाइब्रेट करेगा। अच्छा, तो अब हम ये देख लेते हैं कि वो ऐसे अनबैलेंस सिस्टम को हम बैलेंस कैसे करेंगे। तो पहले तो हम करेंगे स्टैटिक बैलेंसिंग। तो स्टैटिक बैलेंसिंग क्या होता है कि द सिस्टम इज सेड टू बी स्टैटिकली बैलेंस्ड इफ द सेंटर ऑफ मास और वी कैन से सीजी ऑफ द सिस्टम ऑफ द मासेस लाइज ऑन द एक्सिस ऑफ द रोटेशन। तो इसका मतलब क्या है, अगर आपके सिस्टम का सीजी एक्सिस ऑफ रोटेशन पे है तो आपका सिस्टम स्टैटिकली बैलेंस्ड। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमारा अनबैलेंस सिस्टम था जिसके ऊपर सेंट्रिफ्यूगल फोर्स लग रहा है, तो उसे बैलेंस करने के लिए हम क्या ट्राई करेंगे कि जो हमारा सीजी है उसे हम एक्सिस ऑफ रोटेशन की तरफ डाइवर्ट करना ट्राई करेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, हम एक बैलेंसिंग मास प्रोवाइड करेंगे सिस्टम के ऊपर जिसके फोर्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड होगा लेकिन उसकी डायरेक्शन अपोजिट रहेगी। अगर अब आपको सिस्टम को बैलेंस करना है तो क्या कंडीशन रहेगी कि द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द डायनामिक फोर्सेस, दैट इज आवर सेंट्रिफ्यूगल फोर्सेस एक्टिंग ऑन द सिस्टम ड्यूरिंग द रोटेशन मस्ट बी जीरो। दैट इज व्हाट, कि हमारे जो सेंट्रिफ्यूगल फोर्स लग रहा है उसका समेशन लेंगे हम, कि समेशन ऑफ सेंट्रिफ्यूगल फोर्सेस दैट आर द डायनेमिक फोर्सेस
on the system, which are acting on the system, actually system must be equals to zero. मतलब क्या है कि जो हमारा पहला सेंट्रीफ्यूगल फोर्स था वो था प्लस एम आर ओमेगा स्क्वायर, और अब हमने जब उस पर अनबैलेंस मास प्रोवाइड किया है तो उसका हो रहा था एम आर ओमेगा स्क्वायर, जिसका क्या था मैग्नीट्यूड सेम था लेकिन डायरेक्शन अपोजिट था, उसकी वजह से यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस, और अगर हम इसे इक्वेट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा जीरो. देयरफॉर वी कैन से दैट अवर सिस्टम इज स्टैटिकली बैलेंस्ड. तो अब हम बात कर लेते हैं डायनामिक बैलेंसिंग की. तो जैसे कि आप देख सकते हैं इस फिगर में जो स्टैटिकली अनबैलेंस तो है ही, लेकिन आपको जो एरो दिखाया गया है वो क्या डिनोट कर रहा है कि वहाँ पे कोई फोर्स लग रहा है. अब ये इम्पोर्टेंट है कि वो फोर्स क्या है. तो वो ऐसे फोर्स है जिसका मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन उसकी डायरेक्शन अपोजिट है, और मेनली उसकी जो लाइन ऑफ एक्शन है वो भी डिफरेंट रहेगी. उसे क्या कहेंगे हम कपल. इससे क्या होगा कि आपका जो सिस्टम है वो हाई टेंडेंसी पे वाइब्रेट करेगा. तो अगर हमें ऐसे सिस्टम को बैलेंस करना है तो हम क्या करेंगे, पहले तो स्टैटिक बैलेंसिंग प्रोवाइड कर देंगे और फिर इस कपल को हम एलिमिनेट कर देंगे. तो अगर हमें ऐसे सिस्टम को बैलेंस करना है तो हम क्या करेंगे, हमारे पास ये दो कंडीशन रहेंगी. फर्स्ट क्या है जो हमने देखी थी पहले है कि रिजल्टेंट ऑफ ऑल द डायनेमिक फोर्सेज एक्टिंग ऑन दिस सिस्टम ड्यूरिंग रोटेशन मस्ट बी जीरो. दैट इज व्हाट के समीशन ऑफ डायनेमिक फोर्सेज मस्ट बी जीरो. और दूसरी कंडीशन क्या रहेगी जो इसका डायनेमिक का स्पेशल केस रहेगा, वो है कि द रिजल्टेंट कपल्स ड्यू टू ऑल द डायनेमिक फोर्सेज एक्टिंग ऑन द सिस्टम ड्यूरिंग रोटेशन अबाउट एनी प्लेन मस्ट बी जीरो. दैट इज समीशन ऑफ कपल्स इज इक्वल्स टू जीरो. इस वीडियो को जरूर से कॉमेंट में रिव्यू कीजिए, और अगर आपको इस टॉपिक रिलेटेड या किसी और टॉपिक रिलेटेड डाउट्स है तो भी हमें कमेंट में बताइए. अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल हुआ है तो ज़रूर से लाइक करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें. और हाँ, सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें ताकि आपको इंजीनियरिंग टॉपिक्स रिलेटेड अपडेट्स मिलती रहे.